हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन टेक्स्ट के बारे में जो एंशियंट हिस्ट्री में लिखे गए, एंशियंट हिस्ट्री का जो टाइम था उसके टाइम में जो टेक्स्ट लिखे गए। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार मैचिंग के लिए या वन वर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस बारे में पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली MPPCS में तो ज़रूर पूछे जाते हैं इस बारे के क्वेश्चन। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा टेक्स्ट किसने लिखा था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रामायण की। रामायण लिखी गई थी वाल्मीकि द्वारा। तो वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई थी। महाभारत लिखी गई थी वेद व्यास द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, दैट वॉज रिटन बाय कालिदास। रघुवंश वॉज ऑल्सो रिटन बाय कालिदास। इन एडिशन टू दैट मेघदूतम और कुमार संभवम, दीज फोर आर द राइटिंग ऑफ कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, मेघदूतम, कुमार संभवम। अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम के बारे में तो लगभग सभी को मालूम होगा, लेकिन ये दो हैं रघुवंश और कुमार संभवम, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो ये चारों ही जो रचनाएं हैं कालिदास द्वारा लिखी गई हैं। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। रामायण वाल्मीकि द्वारा, महाभारत वेद व्यास द्वारा, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा, रघुवंश भी कालिदास, मेघदूतम और कुमार संभवम, ये चारों रचनाएँ कालिदास द्वारा लिखी गई हैं। इसके बाद आते हैं स्वप्नवास दत्तम पे, जो कि भाष ने लिखी थी। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष ने लिखी। सौंद्रानंद भी अश्वघोष ने ही लिखी। पंचतंत्र, बहुत बार बचपन में काफ़ी बार पंचतंत्र की कहानियाँ वगैरह सुनी, ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। मुद्र राक्षसम जो है विशाख दत्त द्वारा लिखी गई थी। स्वप्नदास दत्तम भाष द्वारा, बुद्ध चरितम अश्वघोष, सौंदरानंद अश्वघोष, पंचतंत्र विष्णु शर्मा और मुद्र राक्षसम विशाख दत्त। इसके बाद हम बात करते हैं कादम्बरी की, जो कि बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्ष चरित्रम भी बाणभट्ट ने लिखी थी। नागानंद हर्षवर्धन ने लिखी थी। प्रियदर्शिका भी हर्षवर्धन ने लिखी थी। मालविका अग्निमित्र, जिसमें जो पुष्यमित्र सुंग जो थे उनका जो बेटा था वो कालिदास के इस नाटक में हीरो का रोल प्ले किया था, मालविका अग्निमित्र, जो कि कालिदास ने लिखी थी। एक बार सारी में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, रघुवंश भी कालिदास, मेघदूतम और कुमार संभवम ये भी कालिदास। तो अभी तक कालिदास की चार हो गई, वाल्मीकि, रामायण, वेद व्यास, महाभारत। स्वप्नदास दत्तम भाष ने लिखी, बुद्ध चरित्रम अश्वघोष ने लिखी, सौंदरानंद अश्वघोष, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, मुद्र राक्षसम विशाख दत्त, कादम्बरी बाणभट्ट, हर्ष चरित्रम बाणभट्ट, नागानंद हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, मालविका अग्निमित्र कालिदास। चंद्रगुप्तम विशाख दत्त, कथाचरित सागर सोमदेव, कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर। देखिए, सोमदेव और सोमेश्वर दो अलग अलग पोइट्स हैं। तो सोमदेव के द्वारा लिखी गई थी कथाचरित सागर, और कीर्ति कौमुदी जो लिखी गई वो थी सोमेश्वर। नैश दी चरितम ये श्री हर्ष ने लिखी थी। एक ही पोइट्री के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है नैश दी चरित्रम के बारे में, जो कि श्री हर्ष ने लिखी थी। कीरत अर्जुन्यम भैरवी ने लिखी थी। दश कुमार चरितम दांडी ने लिखी थी। उसके बाद अवंती सुंदरी दांडी ने ही लिखी थी। उत्तम रामचरितम, देखिए रामचरितम अलग है और उत्तम रामचरितम अलग है। उत्तम रामचरितम भावभूति ने लिखी थी। और जब कि हम बात करते हैं अगर रामचरितम की, तो बुद्धचरितम अश्वघोष ने लिखी थी। वसवदत्ता सुमबंधु ने लिखी थी, सुमबंधु। और राजतरंगिणी, जिसमें कि कश्मीर का डिस्क्रिप्शन मिलता है, वो कालाहान ने लिखी थी। तो ये सारे के सारे एंशियंट टेक्स्ट हैं जो कि एंशियंट हिस्ट्री के टाइम में समवेयर नियर BC और अर्ली AD ये सारे के सारे तब लिखे गए थे। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है और MPPCS के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको कैसे भी आ सकते हैं, पूछ लिया जाएगा कि इसका ऑथर कौन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको मैचिंग के लिए भी आ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है। एक हालांकि ये क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि इनमें से किसने एक से ज़्यादा पोइट्री लिखी हैं। तो कलहन ने एक ही लिखी है, लेकिन अश्वघोष हैं,
और विशाख दत्त हैं, कालिदास हैं, इन्होंने एक से ज़्यादा लिखी, हर्षवर्धन है, इन्होंने एक से ज़्यादा लिखी है। तो ये सारी की सारी पूरी डिटेल थी इनके बारे में, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। मैंने कोशिश की है कि आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूँ कि जिस कि किस किस ने क्या क्या लिखा हुआ है। आई होप यू हैड लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।